उपाय के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उपाय संस्था के अध्यक्ष होने के नाते उपाय के सारे वॉलंटियर्स का, सारे शुभचिंतकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका ये अथक परिश्रम था जिसकी वजह से हम ये 10 वर्ष का लंबा सफर तय कर पाए। आपने उपाय संस्था का जो फाउंडेशन रखा, जो उसकी नींव रखी, वो इतनी मजबूत थी कि उस फाउंडेशन के ऊपर हम सेंटर दर सेंटर ओपन करते गए और पिछले 10 वर्षों में 6 शहरों में करीब 37 सेंटर्स हम लोगों ने ओपन किए और करीब 1800 बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं। 8000 बच्चों तक हम पहुँच चुके हैं और 250 वॉलंटियर्स की मदद से ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो उपाय को इस मुकाम तक लाने में पुराने नए जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, 2010 से जब उपाय शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक उन सारे वॉलंटियर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह का मेहनत, जिस तरह की लगन और जिस तरह का परिश्रम अभी तक आने वाले वॉलंटियर्स ने किया, उसी तरह का परिश्रम, उसी तरह की लगन आगे आने वाले वॉलंटियर्स भी उपाय को देते रहेंगे और ये कार्य ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। हमारे वॉलंटियर्स ने निस्वार्थ रूप से कार्य किया, कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। ऐसे वॉलंटियर्स के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वे नींव के पत्थर वन भले ही रहते हों नीचे छुपे, वे नींव के पत्थर वन भले ही रहते हों नीचे छुपे, पर उपाय की बुलंदियों को मजबूती से पकड़े खड़े। उपाय के वॉलंटियर्स ही उसकी जान है, पहचान है। निस्वार्थ सेवा से मिला संतोष उनका सबसे बड़ा सम्मान है। तो आज इस 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर पिछले 10 वर्षों में उपाय ने जो जो सफलताएं हासिल की, जो जो मुकाम हासिल किए, वो सब आपके सहयोग, आपके परिश्रम के बिना संभव नहीं थे। तो मैं आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह हमारा सहयोग सम्मान देते रहें। मैं उपाय की तरफ से, पूरे उपाय परिवार की तरफ से, मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीडिया थी, ये जर्नलिस्ट थे जिन्होंने उपाय को देश के कोने कोने तक पहुँचाने में कार्य किया और उनकी वजह से ही आज हम विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में अपना कार्य कर पा रहे हैं। तो पुनः इस स्थापना दिवस के मौके पर सभी वॉलंटियर्स, सभी सपोर्टर्स, सभी जर्नलिस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।